वेलकम टू माय रसोई। आज मैं बनाने जा रही हूँ अक्की मसूर का सालन। यहाँ पर मैंने बर्तन में एक पाउंड स्पून तेल ले लिया, जिसमें मैंने एक बड़ी प्याज स्लाइस करके डाली है। इसके साथ ही मैं ये अक्के गरम मसाले हैं, जीरा, इलायची, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, ये अपने हिसाब से ले सकते हैं, वो भी डाल दूँगी। इसे ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। यहाँ पर अनियन ब्राउन हो गई है, अब इसमें मैं 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक, ग्रीन चिली और जीरे का पेस्ट है ये, वो डाल दूंगी। इसके साथ ही ये 2 बड़े टमाटर काटे थे मैंने, वो भी डाल दूंगी। अच्छे से भूनेंगे। यहाँ पर मैंने 1/2 टेबल स्पून धनिया, 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्ची, ऑलरेडी मैंने ग्रीन चिली डाली है, 1/4 टेबल स्पून हल्दी और सॉल्ट टू टेस्ट, ये इसमें मिक्स कर दूंगी। इसे अच्छे से भूनेंगे। देखिए मसाला यहाँ पे भून गया है। यहाँ पर मैंने अक्की मसूर को कुकर में 3 सीटी आने तक पका लिया है, अभी से भी मैं इसमें डाल दूंगी। मिक्स करेंगे अच्छे से। दाल को डालने के बाद मैंने इसमें 1/2 कप पानी डाला है, उसे भी देखिए उसमें भी बॉईल आ गया है। अब इसमें मैं 8-10 करी लीव, थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा पुदीना डालकर अच्छे से मिक्स कर लूँगी। यहाँ पर मैंने 4-5 कोकम पानी में भिगो कर रखी थी, वो भी इसमें डाल दूँगी। जिसे ढककर 2 मिनट तक और पकाऊंगी हल्की आंच पर, फिर आपको सर्व करके बताती हूँ। ये देखिए अक्की मसूर का सालन रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।